जय स्वामीनारायण एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं फॉर क्लास फाइव, क्लास पाँचवीं की हिंदी आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। बट उससे पहले आज का सुविचार जान लेते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। ठीक है, आप सभी के अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। कोई पढ़ाई करने में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, किसी की राइटिंग अच्छी है, किसी की ड्राइंग अच्छी है। ठीक है, तो हम फ्रेंड्स भी वैसे ही बनाते हैं, है ना। तो जो हमसे अच्छा नहीं होता हम उसको फ्रेंड्स नहीं बनाते, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप जितने भी लोग हैं, जितने भी क्लासमेट्स हैं या दुनिया में जितने भी लोग होते हैं, सबके पास अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। हर किसी में एक खासियत होती है। अगर वो सारी खासियत एक साथ मिलेंगी तो एक और अच्छी चीज़ बनकर सामने आती है। ठीक है, इसलिए आप सभी को इम्पोर्टेंस देंगे, सभी को उतनी ही अहमियत देंगे जितनी कि आप अपने खास लोगों को देते हैं, जितनी अपने पेरेंट्स और अपनी फ्रेंड्स को देते हैं, उतनी ही अहमियत आप सभी को देंगे। ओके, सो शुरू करें। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग व्याकरण की क्लास कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है भाषा। भाषा है क्या? आज से पहले हम जब से पैदा हुए हम लोग अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन जब हम पैदा हुए थे तब तो हमें बोलना आता नहीं था, बट धीरे 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 हमने सीख लिया। दुनिया में भाषा आई कहाँ से, इसका भी तो कोई इतिहास होगा। हमारे जो पूर्वज थे, यानी कि हमारे पूर्वज थे आदि मानव, आदि मानवों को भाषा नहीं आती। ठीक है, वो लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करते थे? बट उससे पहले जान लें कि भाषा है क्या, भाषा किसे कहते हैं। भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। जब भी हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसे सामने वाले को कहकर बताते हैं कि हमें ये चीज़ अच्छी लगती है। जब भी हमें कोई चीज़ बुरी लगती है तब भी हम कहते हैं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। जब हम खुश होते हैं तब भी हम बताते हैं, जब हम दुखी होते हैं, नाराज़ होते हैं तब भी हम बताते हैं, क्योंकि हम अपने भावों को लोगों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं। लेकिन आज से पहले हमारे जो आदि मानव थे वो अपने भावों का आदान प्रदान जो था वो इशारों में किया करते थे। धीरे 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 जब थोड़ी बहुत तरक्की उन्होंने की तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े पत्थर चट्टानों पर, शिलाओं पर खरोंच कर आकृतियाँ बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, वैसे तो हर कोई जानवर, पशु पक्षी आवाज़ निकाल कर अपनी भाषा में बात करते ही होंगे, लेकिन वो भावों को आदान प्रदान करने का कोई माध्यम नहीं है। दुनिया में केवल मनुष्य यानी हम ही ऐसे हैं जो अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। तो भाषा यानी हमारी आवाज़। ठीक है, हम अपनी आवाज़ से सामने वाले को जो भी चीज़ें बताते हैं, अपने भावों को सामने वालों को एक्सप्रेस करके दिखाते हैं। ठीक है, अपनी चीज़ों को लोगों को कैसे बताते हैं, यही है हमारी भाषा। भाषा के रूप कितने होते हैं? रूप इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग ये अलग प्रकार, किस किस तरह से आप अपनी चीज़ों को सामने वालों को बता सकते हो। तो दो तरीक़ों से हम सामने वाले को अपने भावों को आदान प्रदान कर सकते हैं। पहले है मौखिक भाषा यानी कि बोलकर, दूसरी है लिखित भाषा यानी कि लिख कर। ठीक है, मौखिक भाषाएँ कौन कौन सी होती हैं, कोई मुझे बताएगा? अच्छा, अभी तो मुझे बताना है। ठीक है, मौखिक भाषा है, अभी हम मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे। मौखिक भाषा यानी मौखिक रूप, भाषा का मौखिक रूप किसे कहते हैं? बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है। जैसा कि उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है, फ़ोन पर बात करना। जब भी हम किसी से फ़ोन पर बात करते हैं तो एक तरफ से हम बात करते हैं यानी बोलते हैं, और जो दूसरी तरफ पे होता है वो हमारी बातों को सुनता है। अगर हम किसी से कोई बात कहेंगे तभी तो वो सुनेगा। तो ये क्या है, बोलना और सुनना दोनों ही भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है गाना गुनगुनाना। आप गाना कैसे गुनगुनाएंगे? अगर आपको कोई गाना बहुत पसंद है, या तो आपने उसे खुद लिखा होगा या फिर आपने उसे कहीं सुना होगा, तो आपका मन पसंदीदा गाना जो आप गुनगुनाते हैं, किसी सिनेमा का हो सकता है या किसी अलग से गायन वाद्य का हो सकता है, तो वो आप गुनगुनाते हैं क्योंकि आप स्वर उच्चारण करते हैं, आप बोलते हैं उसे,
तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आता है।